हाय दोस्तों, कभी सोचा है कि जिनके हस्बैंड बाहर होते हैं, फौज में होते हैं, उनकी बीवियाँ जब ये व्रत करती है करवा चौथ का, तो वो कैसे व्रत अपना खोलती है, क्या उनके मन की फीलिंग होती है। सो अगर आप नहीं जानते तो आज का वीडियो मिस मत कीजिएगा, हाय बहुत दोस्तों, यूज़फुल होने वाला नमस्कार, है। सत श्री अकाल, सलाम आदाब, कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरे चैनल हाउस वाइफ क्रिएटिविटी राज सीमा के ऊपर वेलकम है। सुबह के 5 बजे हैं, मैं सुबह अभी नहा धो ली हूँ, क्योंकि ये जो मेरा व्लॉग है ये है कल का, पिछले कल का करवा चौथ स्पेशल। तो मैं अपने करवा चौथ के पूरे दिन की जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं उठ गई थी 4:30 बजे, फिर मैंने हेयर वॉश किया और उसके बाद मैं होने लगी तैयार। रेड कलर का मैंने ड्रेस पहना, फिर चूड़ियाँ बिंदी जो होता है हमारे, ऐसे होता है नहाने धोने के बाद आपने चूड़ी बिंदी ये सारी चीज़ें, पायल वगैरह सब पहन लेनी होती है, मंगलसूत्र। तो मैंने भी उठ करके ये चूड़ियाँ जो हैं पहन, नहाने के बाद चूड़ियाँ जो पहन ली, और चूड़ियाँ मुझे ये कांच की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं स्पेशली करवा चौथ के ऊपर। तो मैं यहाँ पर काउंट कर रही हूँ कि दोनों में जो है दो दो डज़न जो है चूड़ी मेरे हाथ में आ जाए। तो दोनों हाथ में मैंने 24-24 चूड़ी जो है पहनी है। तो थोड़ा सा कलर जो है वेरी कर रहा है इसके साथ, मैच नहीं हो रहा, बट चलता है इतना सा। अभी तो शाम को फिर चेंज हो जानी है। तो बाल अभी मैं बिंदी लगाऊंगी और इसके बाद मैं जोत जलाऊंगी, पूजा करूंगी थोड़ी सी मंदिर में, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। क्योंकि इसको दोस्तों, ये जो सुबह अर्ली मॉर्निंग हम उठते हैं, इसको बोलते हैं सरगी खाना। इस व्रत में सरगी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं सरगी में क्या क्या लेती हूँ। सो पूजा मैंने कर ली है, उसका क्लिप ऐड नहीं किया, और अभी मैं चली हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने, देखिए, रात को ही वो जो सेवइयाँ होती हैं, फैनियाँ जिसको बोलते हैं, वो मैंने रख ली थी। दूध में फैनियाँ डालनी होती हैं जो सेवइयाँ होती हैं, और उसके बाद एक नारियल जो होता है इसको खाना ज़रूरी होता है। साथ में एक दो फ्रूट ले लीजिए, ये फैनियाँ ले लो, नारियल और चाय। कुछ लोग सब्जी और रोटी भी खा लेते हैं, बट मेरा यही चलता है इसमें। नारियल मैंने तोड़ लिया है, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड में डाला है। तो अभी मैं सिर पे रखूँगी दुपट्टा, और उसके बाद मैं ये जो सरगी है इसको मैं ले लूँगी। कायदा तो ये होता है कि सासू माँ जो है सरगी देती है, बट मेरी मदर इन लॉ अभी मेरे साथ नहीं है, तो इसलिए मैं ये सारा काम ऐसे खुद ही कर रही हूँ। तो जब तक मैं ये सरगी कंप्लीट करूँगी तब तक मेरी चाय बन जाएगी। चाय में मैं डायरेक्ट दूध में ही चाय पत्ती डालती हूँ, पानी नहीं डालती हूँ कभी चाय में, मुझे ऐसी ही चाय पीनी अच्छी लगती है। तो अभी मैं डाल रही हूँ चीनी। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैंने पूरे दिन की रूटीन की है बहुत ही अच्छा, मैं लास्ट में तैयार हुई हूँ। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर कोई मेरा दोस्त आज पहली बार वीडियो देख रहा है और अभी मैं इसको तो स्टार्ट चैनल को करूंगी। सब्सक्राइब करें। और ये हमारी होगी सरगी। इस सरगी को खा के जो करवा चौथ का है अभी व्रत रखा जाएगा सारा दिन। इसके बाद चाय पीऊंगी, पानी पी लूंगी इनफ, और फिर शाम को जब चांद निकलेगा, चांद को अर्घ दे के उसकी पूजा करके फिर हम व्रत को खोलेंगे। तो ये है मेरा सरगी का समय, आप भी खाइए। इस हफ्ते अज मैं लगावांगी। ये रात नूं मान्या ने लगा दित्ती सीगी, मैं तो सो गई सीगी, पर उन्हें सुते सुते लगाई है मेरे। सो दोस्तों अब भी आ गया है दिन का समय, तो मान्या मेरे लगा रही है मेहंदी। अभी 2:30 बजे का टाइम है, 2:30 बज चुके हैं, तो ये थोड़ा लेट उठी थी तो इसने लेट मेहंदी स्टार्ट किया। तो
अच्छी मेहंदी लगाई इसने मेरे दोनों हाथों पे एक जैसा डिज़ाइन। अभी सीख रही है ये। और अभी समय हो गया है दोस्तों 4 बजे का, तो मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने पहना है गाजरी से कलर का, मैंने अपना गाउन पहना है। ये गाउन मैंने खुद तैयार किया है, अपने लिए स्टिच किया था, आज नहीं पहले का है ये तैयार किया हुआ। और इसके साथ मैंने कैरी किया है अपना शादी वाला जो दुपट्टा होता है ना शादी के समय, तो हम जो शाम की पूजा करते हैं इस दुपट्टे को ओढ़ के करते हैं, और जब चांद को अर्घ देना है तब भी हम इसी दुपट्टे को लेंगे, जो हमारी सुहाग चुन्नी होती है इसको। सो अभी आप मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो तैयार होने के बाद मैंने फटोफट जो डिनर है उसकी तैयारी कर ली पूजा करने के बाद, क्योंकि अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ, तो समय हो गया है 6:30 का। तो मैंने अभी खाना तैयार कर ली, करने लगी हूँ। तो मैं पनीर बना रही हूँ, राजमा बनाए हैं, और जब चांद निकल आएगा तो उसके बाद पूरी को सेक लूँगी, और एक मैं साथ में बनाऊँगी सूखी सब्जी, तो राइस बनाऊँगी। सो दोस्तों यहाँ पर भी मैं अभी सेट कर रही हूँ, और अभी समय, और इसके बीच में मैंने किया था लाइव 7 से 8, और फिर अभी समय हो गया है 8:30 का। 8:40 के आसपास जो है चांद निकला था, तो अभी हम चांद को अर्घ देने लगे हैं। और इसके बाद हमने बात की अपने हस्बैंड से जो कि बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ मैंने वीडियो से बड़ा क्लियर चांद देख दिखाई दे कर तो ये भी चांद भी दे अपना चांद भी कर गया। तो मैंने चांद को मैं दूसरी तरफ ऐसे मत रख। चलो ठीक है, वो मत कहना प्यारी बहना, आशीर्वाद दे। आज जो मिस नहीं हुआ है चांद को देखना। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने अपना व्रत खोला। आप लोगों को ये कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। ये क्लिप बहुत अच्छा है, पानी पी लें और आप यहाँ पे हमारी बातचीत पानी पी लें। देख लड़को पानी पी लें, पानी हम चुनी थोड़ा पीछे करो। ओ पानी पी ले मम्मा की, नहीं जवाब तो दो। डैडा मम्मा पानी पी ले, पी लो पी लो। पिया ले आ गया। देख डैडा अभी बोल रहे हैं कड़वे बिच ना दारू की स्मेल आती पी है पानी चो। चलो ठीक है, मैंने फोटो खिंच डैडा ना ले फोटो खिंच। भैया भी हंस रहे साइड में, ए डैडा फोटो करवाओ करवा चो दी। मैं इधर देखो साथ में लगाओ ना, दूर दूर रह के क्या कर रहे हो। हो गया चलो ठीक है फिर एंजॉय करो। दोस्तों इस तरीके से मेरा व्रत खुला। आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। सो ओके बाय आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। सो दोस्तों अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं ये एक चैनल है आर्ट एंड कुकिंग, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी इसकी वीडियोस आती हैं। इसमें घर में जो हमारा वेस्ट सामान है उसकी बहुत अच्छी वीडियोस बनाई जाती हैं। आप इनके चैनल पर विज़िट कीजिए, इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप ज़रूर जाइए विज़िट कीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही अच्छा चैनल है, अभी नया नया स्टार्ट किया है।